नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले माह फरवरी में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा को जो लोग सामान्य समझने की भूल कर रहे हैं उन्हें इसके मायने समझने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप की यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब भारत दुनिया में एक बड़े बाजार और बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो चुका है। शायद यही वजह है कि आज की घड़ी भारत अमेरिका की तरफ इतना नहीं देखता जितना कि अमेरिका उसकी तरफ देख रहा है। इसे केवल मोदी कूटनीति का कमाल कहना ही काफी नहीं होगा, बल्कि मोदी ने भारत की वास्तविक संभावनाओं और ताकत को दुनिया से अवगत कराया है। ट्रंप की यह यात्रा उनके राजनीतिक जीवन के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। यह पहला अवसर होगा जब ट्रंप अमेरिका से बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी है। ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी की तर्ज पर अहमदाबाद में 25 फरवरी को कैंप छोड़ ट्रंप कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का हाथ थामकर कहेंगे कैंप छो। इस कार्यक्रम में 50,000 से 60,000 लोग मौजूद रहेंगे। इसके लिए ट्रंप के ओवल ऑफिस की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। इस कार्यक्रम की खासियत इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक होगी। इसमें भारत और अमेरिका के बीच आपसी संबंधों की एक संगीतमय प्रस्तुति भी होगी। इसके अलावा भारतीय इतिहास, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की झांकियां भी पेश की जाएगी। 25 फरवरी की शाम को होने वाले कार्यक्रम में मोदी और ट्रंप साथ में ही दिल्ली से आएंगे और कार्यक्रम पूरा होने के बाद वापस तुरंत दिल्ली लौट जाएंगे। भारत में ट्रंप के स्वागत में होने जा रहे कैंप छोड़ ट्रंप कार्यक्रम से पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मोदी और ट्रंप के स्वर अधिकतर मामलों में समान होते हैं। अगर ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो हम इससे भी बड़ा प्रोग्राम इमरान और ट्रंप को लेकर आयोजित करेंगे। यानी नकल के मुल्ला अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2019 में इमरान की अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी की नकल में इमरान ने भी ऐसा ही कारनामा किया था, जो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ था। ट्रंप के भारत में हो रहे इस अभूतपूर्व दौरे को लेकर पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान को डर है कहीं मोदी हाउडी कार्यक्रम की तरह ट्रंप बहक न जाए, जिसमें ट्रंप ने रेडिकल इस्लाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ साथ तमाम टोपीबाजों पर निशाना साधा था। साथ ही ट्रंप ने मोदी के विषय में यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि जमूरों से कैसा निपटा जाता है यह मोदी अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान इस बात से चिंतित है कि ट्रंप सीपैक और पीओके को लेकर कोई बयान ना दे दे। वैसे भी यह दूसरा मौका है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत तो आ रहा है लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा। इससे पहले वर्ष 2015 में बराक ओबामा भी सीधे भारत ही आए थे। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी जीभ निकाल कर यह जरूर कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तानी तहमत बाजार देखने आएंगे, परंतु इसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे का कार्यक्रम महीनों पहले तय हो जाता है। वैसे ट्रंप इस यात्रा में कोई ऐसा जुमला जरूर छोड़ेंगे जिससे वे काफी दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में रहेंगे। माना जा रहा है कि भारत सीमा पार से जमूरों का मुद्दा उनके सामने उठा सकता है, जिसके बाद ट्रंप कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। पाकिस्तान की चिंता यही है कि कहीं ट्रंप मोदी सरकार को अपने बयान से आक्रामकता प्रदान न करते, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। जानकार तो यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ट्रंप को पीओके का इतिहास और पाकिस्तान द्वारा उस पर अवैध कब्जे का पूरा कच्चा चिट्ठा सौंपने की तैयारी कर ली है। मोदी ऐसा करके पीओके पर अपना दावा मजबूत करने के साथ अमेरिका का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में है। यूं भी अमेरिका प्रोक्स रूप से पीओके पर भारत के दावे की पुष्टि करता रहा है। चाइना पाक आर्थिक गलियारे को गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरने को वह इसे भारत क्षेत्र बता चुका है। पाकिस्तान के साथ चीन की नजरें भी ट्रंप के भारत दौरे पर लग गई है। चीन की फिक्र यह है कि ट्रंप भारत के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करते हैं और भविष्य में उनका चीन पर क्या असर पड़ सकता है। चीन जानता है कि मोदी कुशल प्रशासक होने के साथ कुशल कूटनीतिक भी है। वे ट्रंप को अपने शीशे में उतार सकते हैं, जिसके बाद बकलोल ट्रंप क्या कह जाए इसका किसी को भरोसा नहीं है। कुछ नहीं भी हो तो उसके बयान से विवाद तो बढ़ ही जाता है। संभवतः मोदी उनकी इसी बकलोली का फायदा उठाकर चीन या पाकिस्तान पर कोई बयान देने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। संभावना यह भी है कि ट्रंप उइगरों के मुद्दे पर चीन को उसी के पड़ोस से घेर सकते हैं।
यानी भारत, जहां ट्रंप के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं चीन और पाकिस्तान की फटी पड़ी है। पाकिस्तान की सह पर भारत में मौजूद कुट्टोपीबाज इस यात्रा में खलल डालने की तैयारी में भी है। शाहीन बाग का बुरका टोपी धरना इसी का एक हिस्सा है, वरना यह कार्यक्रम अहमदाबाद होने की बजाय दिल्ली में होना था। खुद ट्रंप की भी यही इच्छा थी, लेकिन पाकिस्तान परस्त टोपी बुरके तिरंगे पर मस्जिद बनवाकर पिछवाड़े पाकिस्तान की तरफ कर चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार को अहमदाबाद ज्यादा मुनासिब लगा, क्योंकि गुजरात में ऐसी नौटंकी की तो जो पिछवाड़ा पाकिस्तान की तरफ उठाया है उस पर गुलमोहर का फूल खिल सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।